सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखनी चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती है और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती है। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने को तो एक सेकेंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है और समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो जिंदगी लग जाती है। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, मगर अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। आज का पंचांग 28 मार्च 2024 दिन गुरुवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि, शाम 6:57 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र शाम 6:38 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:03 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मकर राशि 28 मार्च 2024 दिन गुरुवार, घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए विचार होगा। परिजनों के आसपास होने पर आप नई योजना बना सकती हैं और जीवन में थोड़े परेशान और प्रेरित हो सकती हैं। अपने रूप में बदलाव करने जैसे नए हेयर कट के बारे में सोच सकती हैं। आज अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को लेकर आप चिंतित हो सकती हैं। आप में से कुछ अपनी कड़ी मेहनत से मिले फल का आनंद लेंगे। जो दूसरी अपने नए लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर सफल होने का इरादा पक्का और पर्याप्त मजबूती के साथ है तो असफलता कभी नजदीक नहीं भटकेगी। ग्रह गोचर सकारात्मक बना हुआ है, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। साथ ही प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात से लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी कार्य क्षमता में भी निखार आएगा। किसी समारोह आदि में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। सोच समझ कर निर्णय लेने की जरूरत है। लोगों के विरोध की वजह से तकलीफें हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना होगा। अपनी मर्जी के अनुसार सही निर्णय लेने में सफल साबित होंगे। पुरानी गलतियों के कारण कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी, अपेक्षा के अनुसार सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के कारण व्यक्तिगत जीवन में समझौता करना पड़ सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना है। सावधानियां, कोई राजकीय या कोर्ट के संबंधित कोई मामला चल रहा है तो आज सावधान रहने की जरूरत है। इनसे संबंधित किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर अमल करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने व्यक्तित्व और बनावट में बदलाव करके आप उसका दिल जीत सकते हैं जिसके लिए आप पागल हैं। साथी के परिवार की कोई परेशानी आ सकती है, परंतु आप अपनी समझदारी से सब कुछ सही कर लेंगे। साथ में घूमना शॉपिंग करना आपके रिश्ते में नई जान डाल सकता है। आपकी सामाजिक स्थिति आज आपकी चिंता का कारण हो सकती है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। अपनी थकान को कम करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा पल गुजारेंगी। कुछ चॉकलेट और फूल ले जाना ना भूले, इससे आपका जीवन महक उठेगा। अपने साथी के साथ फालतू बहस की जगह केवल प्यार की बातें करें। बात करती है करियर की। किसी नए कार्य या स्वरोजगार की शुरुआत करने के लिए आज का समय बेहतरीन है। अपनी शक्ति और कमजोरी को जाने व आने वाली बाधाओं का डटकर सामना करें। याद रखें, दुर्भाग्य और असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है, जो आपको कोई नई सीख अवश्य देती है। आज आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, व्यापार में भी लाभ की संभावना है और काम से बाहर भी आपके सितार बुलंदी पर है। आप में से कुछ को आज अपनी कड़ी मेहनत के अच्छे फल मिलने वाले हैं। आपके बढ़ते कदम आपको नए मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए कार्य में जोखिम लेने से पीछे न हटें। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक कार्यभार की वजह से सिर दर्द व तनाव जैसे दिक्कत महसूस कर सकती हैं। मेडिटेशन योग पर अधिक ध्यान दें। आज के उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।